वो देवी श्री जानती नहीं है, आप हॉर्न ये रामलाल ठीक भावार्थ पद्मावली आप लोग हाथ से लिखे पहले किताब तो बाद में छपी है, पहले महाजन कमरे बैठे बैठे रोजे ना रोज पद बनाए तो हम लिखे तो भावार्थ करें तो लिखे लिखा हुआ बड़ा मेरे पास चारों भाग मानी कई चीजें हैं मेरे पास में आधी चीज दे दिया उनको क्योंकि मेरे को शराब पहले बोली थी मैं भेज रहा हूँ पंडा को बिमल को खामन से भेज दिया ठीक है नहीं नहीं जो कंठी और कुर्ता रखा हूँ महाराज जी की जो जाते हैं ना तो विशाखा के सामने से बैठे थे मेरे प्राण दाता आ गए अजय बोल दिए अब मालूम नहीं डूब गए थे ब्रह्मांड घाट में डूब गए थी ब्रह्मांड घाट में सत्य चल रहा था तो अम्मा और महाराज कूद करके उस पार में खेल रहे थे पानी अम्मा महाराज जी तो तैराक नंबर वन हम तो तैराक महाराज जी तैराक हम तैराक खेल रहे सब सत्संगी खड़े हैं ब्रह्मांड घाट में खड़े हैं सत्संगी धीरे धीरे आकर के विशाखा किनारे खड़ी देख रही हम लोगों को पैर चले गए उसका और नीचे गई इतने इतना हाथ उसका सब दिखा भाई राम लाल दौड़ विशाखा गई मारा जंप और पकड़ा कमर उसकी और धीरे 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 खड़का के पीढ़ी के ऊपर लाया सुला दिया आधी घंटा तक बेहोश रही वो पानी नहीं पी मुंह बंद था बच गई अब मार भीड़ हो गई क्या हुआ कुछ नहीं हुआ मैं थोड़ी देर पीछे मैं कहाँ हूँ मैं कुछ नहीं घबरा मत तेरे प्राण बच गए बोले महाराज जी निमित्त बना दिए हमको लेकिन ये अगर फिर उसके बाद महाराज जी खेलते थे ना हम लोग महाराज जी हीरा की अंगूठी चले गई वहीं ब्रह्मांड घाट में और कुटला था उनका हीरा के बटन थे कुटने में छेद हो बटन थी वो किंकर जो है सुखा रहा था और गया पानी दूसरे दिन आ गए वृंदावन तो महाराज के पहनाने लगे अंगूठी भी नहीं कुटने में भाजी बटन भी नहीं वो मीटिंग कर रहे हैं कहाँ गया सब ब्रह्मांड महाराज बोले वहाँ ब्रह्मांड घाट में जाएंगे आए मेरे पास हम बाहर रामलाल ये हजार रुपये लो और वहाँ जाओ ब्रह्मांड घाट और जो लोग छिनी करते हैं क्या लगाने वाले केवट लोग ऐसा देते ना अंगूठी खोल के रहेंगे मगर आप लोग का दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा वो अंगूठी छुप ले क्यों हमको देगा क्या जा रहे मैं गोपाल बाबा और तिवारी जी उम्र के पहले बरसाना जी हम तीन आदमी गए तो मैं कम से कम सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक पानी में रहा हूँ लाल हो गई फूल सब खोज रहा हूँ काम अंगूठी तो नहीं मिली बटन मिल गई बटन मिल गई फिर पैर में छल गई हाँ जो बटन थे वो बटन जिला की और कैद में थे ना वो मिल गई मानो चलो वही फल जो शरीर अली रात को नहीं जाएंगे महाराज के पास महाराज जी राधा कुंड में कीर्तन कर लेंगे रात तो हम कहें वहाँ राधा कुंड बटन है देखा कहीं का एक झंडा नहीं हुआ दो झंडा क्या कहीं वहाँ खोजे हैं रात दिन भर में आपको निमित्त होता है निमित्त होता है निमित्त है हम थोड़ी है इसमें पावर उसका पावर सब उसका अब हम आपको माने महाराज जी ऐसे जी मिला हम अपने जीवन में देखे हैं ना आप लोग सुन सुन के घबराओगे घबराओगे ऐसे थे खतरनाक एरिया से हम लोग पास में आगरा से हम जा रहे हैं कहाँ नागपुर तो चंबल रास्ते पड़ता है चंबल घाटी चंबल घाटी
तो मैं नदी मैं और महाजी बैठे हैं गाड़ी में और कोई नहीं है। मैंने बोले रामलाल कल मेरा प्रवचन है नागपुर में तो कल पहुंचना है, देख कैसी गाड़ी चलाएगा चला जाती है मेरा फेल नहीं होना चाहिए, पोस्टर लग गए नागपुर में। ठीक है महाराज, आए चंबल नदी में देखा मैं आज पानी बढ़िया भर रहा महाराज जी के ठीक है पानी महाराज जी। मैं नहा खा जाता हूँ, गाड़ी खड़ी कर दिया रोड किनारे, नीचे उतर के नहा धो के आया हूँ, एक घोड़े में सवार होकर के काफा लेकर के इधर बंदूक खड़ा घोड़े के सामने गाड़ी के सामने। मैं क्या घबराया, मेरा तो हाथ पाप क्या हुआ रामलाल, महाजी से बैठे हैं गाड़ी में और घोड़ा वाला सामने खड़ा है गाड़ी में, चंबल डाकू नाम ही क्या भाया दिन से गाड़ी में बैठ गया, कुछ नहीं बोला हमें बोला गाड़ी दिन चलाना ऐसे बोल दिया, वो आगे जा रहा है हम पीछे ही जा रहे हैं। देखिए अब मेरे पास चला गया मेरे प्राण गए। महाराज बोले बैठता क्यों रामलाल, महाराज जी देखो डाकू को जा रहे हैं सामने। अरे रामलाल चुपचाप रहो चल कर तू चिंता मत कर मैं हूँ ना ठीक है चल धीरे धीरे। अरे मैं 8 किलोमीटर से गए हूँ और बोला रोको गाड़ी मालाम बड़े साहब रुक करके उतरा हो घोड़े से उतर करके पहले फिर बोला कहाँ है महाराज जी दरवाजे खोलो। अरे बोला महाराज जी प्रणाम किया हो क्या हो प्रणाम किया और फिर मेरे प्रणाम किया माला क्या क्या बात है। बोला हमारे गैंग जो यहाँ रास्ते में थे अभी लूटने थे आपको तो मैं आपको क्रॉस कर दिया, हम ब्राह्मणों के सेवक हैं महात्माओं के सेवक हैं, हम समझ गए कि आप लोग जा रहे हो आपको कोई लूट लेगा ठीक नहीं है, इसमें मैं सरदार हूँ उनका जय हो मैं सरदार हूँ, अब आप जाइए माने अब आप पार हो आपको खबर है। तो मैंने वहाँ से निकल जाए ग्वालियर आकर के हमको भी नागपुर शहरी मैंने बड़े बड़े खतरे से हम निकले। जब यहाँ से बिलासपुर से बोले मनगर चलो चलो महाराज जी तो भाई दंगल और वहाँ रात में शेर है और निकल जब सिंगा तो जो सिंह निकलते गारो निकले। महाराज जी आपको मना किया मैं मना आपको केदारपुर में चलेंगे आप माने नहीं जिद्दी खो रहा जंगल जंगल में जाएंगे कहाँ जाएंगे। अरे रामलाल बंदूक होती ना तो ठीक रहेगा ठीक है महाराज बंदूक अरे बंदूक अब याद आ रही है जंगल में बड़ी मुश्किल से 4 घंटा जंगल पार किए रोड आई तब मनगढ़ पहुँचे। दूसरे दिन क्या बोलते हैं बुला सीताराम को मनगढ़, सीताराम को फोन किया सीताराम मनगढ़ पहुँचा तुम दोनों आदमी ये मेरा लाइसेंस ले जाओ तो फिर उस लाइसेंस बनाए जाओ पिस्तौल ले जाओ बंदूक पिस्तौल गए कलकत्ता और वहाँ धर्मतल्ला में सब दुकानों में घूमे वो पिस्तौल लेकर के हाँ रिवॉल्वर 6,000 में खरीदे। लेकिन महाजी जो हाजी खड़े नहीं दिखाई दिए थे वो हम लोग क्या आसाम में छोड़ने गया हूँ महाजी को शिक्षकों में कि चाइना वाले का झगड़ा हुआ उस वक्त महाराज क्या बोले उस जमाने में इंश्योरेंस नहीं था आप टिकट ले लीजिए ट्रेन की लेकिन आपको 10 रुपये लगेगा इंश्योरेंस का अलग अलग। हम और महाराज का टिकट ले आया मैं धर्मतला में डंबे में बैठे हैं दोनों आदमी रामलाल पान खाल लगा रहे हैं हम भाई पान खा रहे हैं हम सब लोग देख रहे हैं और प्लेन खड़ी है आर के त्रिपाठी एरोप्लेन एरोप्लेन चिल्ला रहे हैं ना तो वहाँ जा नहीं रहे बोले चलो वहाँ चलो गए गेट में रोक दिया पहली जगह इंश्योरेंस बिताओ इंश्योरेंस पकड़ लो प्लेन में हमारे भाई मैं लिया था 10 रुपये मुझे तो यही मिलता है समझा मैं इंश्योर हूँ ऑलरेडी मेरे इंश्योर सरकार नहीं मत लगा अब गेट वाला क्या बुद्धि उसकी आई 10 मिनट के बाद हमने बोला जाओ हम गए प्लेन के पास और प्लेन के पास जाके महाराज बोला महाराज जी अब चढ़िए आप प्लेन जाइए आसाम जाइए चलिए फिर भी मासूम लड़का उसकी शादी के लिए फोटो देखने के लिए थे महाराज बोलो चाह बगान का वो मैनेजर साहब बंचरी के चाचा मैं गया हूँ दिल्ली में दिल्ली मासूम में आ रहा हूँ पंचपुरी रोड में पंचपुरी रोड में है क्वार्टर हम हमारे दोनों वहाँ रहे तो उस वक्त प्लेन में रेड लैम्प आ गया
तो सब रोने लग गए। अब ट्रेन गई, वहाँ यहाँ से नहीं, फिर गिरिंदर पा गई। तो सब किस्सा ब्रह्मांड घाट में, हम जब ब्रह्मांड घाट में पहला प्रसंग हुआ हमारा, वहाँ बोले अरे छोकरा मेरी जान लेने के लिए भेजा रहा प्लेन में, खड़ा हो जा। भाई मैं क्या कसूर किया, तुमने मुझे प्लेन में डाला था ना, प्लेन प्लस हो रही थी। उस वक्त ये घनश्याम जो था ना ब्रह्मांड घाट में था, बच्चा था, हाँ। तो नियम बहुत कड़ा नियम था हम लोग का, अगर आप लोग दीवार में ऐसे कट के बैठे हैं ना, चार घंटा खड़े रहो, और अगर आप आँख ऐसे कर लिए ना, छः घंटा खड़े रहो, कड़ा नियम साधारण हमारे टाइम। और चार दिन तक अगर हाजिर नहीं किया आप, आइए तो आप अपने घर जाओ बिस्तर। ये बेचारा जाड़ा में बच्चा आदमी, घनश्याम बच्चा आदमी, जाड़ा में बेचारा उठा नहीं, चार दिन का एबसेंट रहा। और ये सिंगल था, जो सिंगल मर गए वो हाजिर नहीं करे, घनश्याम का हाजिर नहीं। भाई पढ़े अरे रामलाल यादव राम क्या बात भाई, और मेरे मेरे अंश मेरा मेरे को शरीर से निकला हुआ लड़का हमारे घनश्याम, ले जाओ इमीडिएट ले जाओ, मिस्टर बांधे उसका। और मैं थोड़ा आगे मैं वो यादव को यादव तू यार मंदिर छोड़ गया, मैं जाता हूँ महाराज से, और अकेले महाराज जी तो यादव उसको छोड़ गया मंदिर, बताइए इतने कड़े अरे कितना क्रूर कड़ा नियम बताइए, अपने बेटे को अरे निकाल दे पनिशमेंट दे दो। तो कई कई कान महाराज जी ले जाऊँ वो, और इतने दयालु पूछो मत। अब आपके घर खाने गए ना ग्वालियर में, हम खाना खाए एक सत्संग ही जाए और आगे बढ़े, आगे जाकर के सत्संग से मिले, सत्संग क्या होता है, अभी तो आप खा के गए हैं फिर यहाँ कैसे आ गए। अरे हम अगर चमत्कार बताए महाराज जी ना, अब तो आश्चर्य करोगे। दिव्यो लीला दिव्यो लीला। पहले पहले जिंदगी में हम लोग आगरा में महाराज जी को बनाए थे गिरिराज भगवान, भगवान गिरिराज बनाए थे, एक पाटा पर खड़ा कर दिए भाई, हम एक एक थाली में पीठा मिक्सचर पेड़ा बर्फी रख दी थाली में भगवान, और हम अपने देवी सीताराम और प्यासन वृंदावन वाले वृंदावन वाले मर गए बूढ़े वो थे, और हम लोग पाँच के जन और प्रियादर्शी प्रियादर्शी पुराने वो थे, हाँ वो सब थे। वहाँ पूजा मनाए तो गोर्धन पूजा की, हमको बोलते हैं भाई आँख मूझो, ऐसे थोड़ी पूजा होती है, आँख तो सब मूझो और तब बोलो भगवान भोग लगाओ। हम एकदम आठ दिन जगह थे, आँख मूझिए भोग लगाओ, हे प्रभु भोग लगाओ, उस वक्त शाम से नहीं था, हे प्रभु भोग लगाओ, गिरिराज भगवान की जय बोले, और ये 15 मिनट तक आँख मत खोलना, नहीं खोले माल सब गायब खाली। और आपको याद होगा ऑल इंडिया जगत गुरु सारो जगत गुरु, तो गौ बारी करने के टाइम में जब अनशन किए थे ना, अनशन क्या देखे आपको अनशन वर्ल्ड पूरा इंडिया में कि गौ बारी में सब जगत गुरु लोग अनशन करो, तो महाराज आगरा में थे वहाँ अनशन करते थे, हाँ सब जगत गुरु को इंजेक्शन लग रहा है, हाँ किसी क्या हो गया किसी को हालत खराब, महाराज बैठे हैं खाली एक गिलास नींबू का पीते हैं, और रोज वजन होता है एक इंच कम नहीं हुए, एक एक घटती महाराज जी वजन कम नहीं, 21 दिन तक महाराज जी नींबू का पानी पीते रहे। तो भाई बोले देखे रामलाल रामलाल देखे घर बैठे गुरु को इंजेक्शन लग रहा है, हम घर में बैठ के कर रहे हैं, मैं जगह गुरु है नियम था जितना जगह गुरु है गौ बध में अनशन करो कि गौ बध बंद करो, वहाँ आगरा में लखनऊ की क्या बताएं, लखनऊ की तो चाट शाम को सिंगल घर में थे हम लोग, दही बड़े की चाट रोज हो वहाँ दिन लखनऊ में, अब प्रवचन पूछो मत, मैं तो मेरा काम सर मैं गाड़ी में ले जाऊँगा महाराज जी को, गाड़ी में लाऊंगा और प्रार्थना कराऊंगा
ढोल बजाऊंगा, फिर गाय बजाऊंगा, फिर जाऊंगा उनका कपड़ा धोऊंगा, उनका संस्कार करूंगा। और एक आदमी सब डरते थे महाराज बाहर नहीं बताओ, अरे हमको आश्चर्य लगता है महाराज बाहर डरते क्यों, अकेला मैं करता और महाराज कभी भी मेरे को अलग नहीं समझे, कभी भी एक थाली में खाते थे हम लोग, आजादी रोटी झगड़ा करके एक रोटी फिरती, पहले क्या था मंदिर पुराना था ना तो कौन बनाता खाना, अम्मा पद्मा जी मैं सीताराम महाराज जी बैठ जाते हैं एक एक रोटी बना देती खूब भूख के आ गई नाला में एक एक रोटी, तो आज ये रोटी महाराज जी को आज हम खाए ऐसे मैंने अम्मा के हाथ की आज ही की हाथ की, और हम लोग महाराज जी माँ जी तो हमारे यहाँ नाश्ता बनाते थे कटक में खुद, अरे जरा मैं बनाता हूँ गरीब बोर में बिटा डाल के टिफिन बिस्कुट आगे महाराज का नाश्ता, क्या हम लोग का जीवन अरे आश्चर्य। जबलपुर के अंदर में जब हम महाराज का प्रवचन चल रहा था तो महाराज जी बोले रामलाल एक हम चाहते हैं हमको गुरु बनाना, चाहे गुरु महाराज मेरी गाड़ी सिखा दे, बोला महाराज एक दिन में सीखोगे एक महीने में सीखो बोलो एक घंटे में, हाँ एक घंटे में सिखा देगा लिख लो महाराज मैं एक घंटे में आपको गाड़ी सिखा दूँगा, मैं ऐसा ड्राइवर नहीं हूँ, ठीक आज चलो रात को प्रवचन दे के आ गए 10 बजे रात को रेडी हो गए, किसी बता दो सब सो गए 11 बजे निकल गए, रोड सुन काम सुनाओगे 11 बजे बाद गाड़ी से महाराज ये ब्रेक है एक क्लच है एक ट्रैक्टर है इस करेंगे किसान देखना छोटी समझ गए जब महाराज एक बार समझ में, अब देखो मैं आपके बगल में बैठता हूँ आप स्टेरिंग बैठिए चलाओ गाड़ी, अरे ऐसे कि चलाऊंगा चलाओ तो स्टार्ट करो, महाराज का हाथ स्टेरिंग में मेरा दोनों हाथ महाराज के ऊपर, महाराज के पैर नीचे मेरा दोनों पैर महाराज के पैर के ऊपर, अरे कहीं गड़बड़ हो जाए तो हो गया गड़बड़ चला रहे थे, मतलब स्पीड मत चलाओ महाराज स्टार्टिंग में स्पीड हो जाता ना स्पीड मत चलाओ महाराज, सिनेमा हॉल सामने 12 बज रही है बच्चे को सब निकलेंगे बोलो भीड़ भाड़ होगी रोड पे, माने नहीं 8-10 साइकिल वाले निकले ऐसा मारे उनको 8 साइकिल गिरी पा महाराज जी एक मिनट रुको मत यहाँ अभी जगह जरूर नहीं थम नहीं गए मार पड़ जाएगी छोड़ो गाड़ी हटाओ मैं पकड़ता हूँ तुरंत मैं अकड़ा करी और आगे ले के भागा चला गया 2-3 किलोमीटर आगे और चिल्लाते रहे लड़के मानते नहीं मैं हर बात दिखती नहीं थी तो सागर दमो जा रहे थे सागर दमो जाने कटने से तो मैं उस वजह किए थे अपने प्रेमानंद जी प्रेमानंद जो एक्साइज स्टूडेंट थे कानपुर के कैसे लाए हम जानते हैं कि कैसे इसको लाए हम जानते हैं कि घरे हम लोग गुरुकुल में मनाए इसी घर में प्रकाशन जी और मैं दोनों आगे थे दिल करते तो वहाँ पर इसी घर में प्रकाश प्रेमानंद थे इसलिए इसके वारंट था इसको इसकी अंडरग्राउंड थी प्रेमानंद मेरे महाराज मेरे महाराज इसके हेल्पर रख ले रामला बोला ठीक है घर में रखो ठंग में रहेगा मैं घूमेगा आप इशारा भी करेगा तो एक हेल्पर हो गया जरा अच्छा है ना, तो हम लोग जा रहे दमो मैं सीताराम प्रेम मोहन महाराज जी गए और रास्ते में छोटा रोड महाराज मैं चलाऊंगा चलाओ भाई गाड़ी और बैलगाड़ी जा रही है ऐसा महाराज मारे बैलगाड़ी को वो बैल बैल से भागे नीचे पीछे लकड़ी का नहीं वो कांच वाच फोड़ दिया लाइट लाइट फूट गया महाराज खूब किया आपको मना किया हमें छोटी सड़क है रेस मत चलाओ अभी फिर हम कांच वाच बदले चलेंगे ना अरे हम तो घबराओ मत एक लाइट चलेंगे एक लाइट से हम चला उसको मास्टर नहीं थी वहाँ पर तो हम लोग की खीर बनाई और शाम को हम लोग छानते थे बंग हम और छाने से और इतना बड़ा खीर का रहा है बहुत खीर 10 kg दूध का खीर बनाई केसर से डाल कर अरे भाई हमको तो इतना जुदा हो और सीताराम महाराज जी और प्रेमानंद महाराज जी तो बिल्कुल आधा खा गए
मैं क्या वहां लिया, अरे रामलाल भी जानता नहीं है भैया जी ने खाता क्यों नहीं, मारे मैं तो थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, आप लोग भावर सब बुला रहे हो एक ही इसमें समझे ना, तो सागर है दमो है सब बाई रोड हम घूमे, कटनी जबलपुर बिलासपुर रायपुर भिलाई ये कौन ऐसे से ही कौन थी मालूम है कि नहीं आप लोग, इसके बाप इंजीनियर था एक केलकर, वो भी शर्मा जी एक केलकर थे इंजीनियर एक वो केलकर और एक साडा, ये चार इंजीनियर थे वहाँ, इनके पार्लियामेंट ठहरे थे भिलाई में भाई जी, तो केलकर बहुत सेवा किया वो मराठी था नागपुर, तो शर्मा जी भी उनके संग में दोस्ती इंजीनियर लोग थे, तो एक दिन बोला शर्मा हमारे घर है महाराज बिहार तो चलो भोजन करा ले, ठीक है कर कर बोला ठीक है तैयार करो घर में, गए हम लोग वहाँ जो ले गया गाड़ी को बैठा करके घर में पहुँच गए, उसकी माँ ला करके राष्ट्रश्री को पैदा बैठ तीन दिन की थी, राष्ट्रश्री पैदा हुई तीन दिन की थी, महाराज जी पैदा हुई आप सब संभालो, महाराज बोले ठीक है मेरी हो गई जाओ, कुछ दिन मेरे सामने में महाराज जी अच्छा आपको मिला तोहफा आज पछा रहे होगी नहीं हो, फिर भाई अरे जो अभी भलाई क्या नागपुर क्या, नागपुर में तो देखो जो जो कांड में मैं वहीं था, एक बार महाराज जी को श्यामा और बल्लरी ये दोनों आए रायपुर, मैं नागपुर नागपुर से महाराज जा रहे हैं निकल के जल्द से हम रिसीव करूँगा, मैं ये दोनों आगे पहुँच गए श्यामा और बल्लरी, एक ग्राफ बना के लाए हैं मैंने पिताजी का अपमान भी हुआ कंप्लेन करने के लिए केस करने के लिए ग्राफ बनाए थे, महाराज महाराज जी श्यामा आइए बल्लरी आइए क्या करने, महाराज जी लेटर लिखे हैं केस करने जा रहे हैं उनके ऊपर कि हमारे पिताजी का प्रूफ नहीं है अपमान कर दिया मान हानि की, इसका माना नहीं है मना की शाम को बंद करो लेटर, फिर क्या बोलते हैं भाई रामलाल अगर एक पहाड़ पे कोई अपना सिर फोड़े तो पहाड़ का बिगड़ेगा सिर का बिगड़ेगा, मैं समझा नहीं बात क्या बोल रहे हैं, पहाड़ से पकड़ा है ना वो हमसे उसके सिर फूटेगा, फिर क्या बोले चिड़िया है ना ऊपर पैर रख करिए छोटी है रात में चिड़िया, हाँ हाँ छोटी है वो समझती बादल गिर जाएगा मेरे पर माने बादल पैर से रोक लूंगी इसलिए पैर जामपुर महाराज ना रायपुर में थे जब कृष्ण निकले थे, क्या आप कृष्ण देखेंगे घर के बाहर कम से कम चार तो कैदी थे बाहर चार तो रो रहे थे क्या हमारे भगवान को ले गए आप, कि हमारे भगवान दर्शन देने आ रहा उस वक्त एक वो था हमारे चौरसिया प्रेमनाथ चौरसिया मिलू का बाप नमरी पेक कर रहा है, इनका खराब दुकान था ना बहुत बहुत नेहरू टाइम इनके भी कैसे लाए घाट पर घर जा हम लोग रहते गुरु गुरु के घर में थे हम लोग गुरु बाबू सपना सर गुरु नागपुर छोटी धंधोली में वहाँ बहुत रहे हम नागपुर हमारा हेडक्वार्टर है आगरा हमारा हेडक्वार्टर है मरकर तो हमारा घर हमारी आने की इच्छा नहीं है, आज मेरे को बताओ स्वामी जी एक भी सत्संगी कोई आज तक इंजन में गया है क्या, इंजन में उस जमाने में कोयले के इंजन थे, मैं फोन करता सीताराम मंगल चलना है तो सत्संग मिलना किसी को बताना नहीं हमारे घर में भी नहीं बोलना किसी को ना उठाया अटे नहीं चले सत्संग ठीक नहीं क्या करें मालगढ़ जा रही है तो रुको इंजन वाले को हाँ जी भाई इंजन बैठ गए इंजन पहुँच गए झारसूड़ा वहाँ से मालगढ़ बैठे 10 रुपये दिए हम दोनों आगे पहुँच गए बिलासपुर, बिलासपुर से फिर दूसरा मालगाड़ी में बैठ गए कटनी पहुँच गए मालगाड़ी में मालगाड़ी इंजन में काला काला हो गए क्या करें वो तो कोयला है
ये चाह पीना था ना हम लोग को, और वहाँ कटनी में हम ऐसे जाए मनगर कटनी से कोई रास्ता नहीं, और होली का टाइम हाउस फुल ट्रेन ऊपर लोग चढ़े ट्रेन के ऊपर बैठे कि जो राम यार आजकल मोहसिन सिंह में होली में रह जाओ यार पीछ रहे घबरा मत यार, तू घबराता क्यों है, मैं हूँ ना तेरे साथ, मेरे को लगता है डर वो डरता नहीं था, जो जो ट्रेन का कॉपलिंग नहीं है लटका लिया हम अपने बेगम को कपड़े में खड़े दोनों आदमी कपड़े में खड़े, और लोग खड़े हैं हम नहीं, बहुत लोग खड़े हैं हम भी दोनों खड़े हैं, अब पहुंच गए हाँ जहाँ क्रॉसिंग होती चित्रकूट का रास्ता नहीं है वहाँ तक ब्रिज आए ना घर हाँ समझ कर इतनी प्यास थी मंगल पहुंचने के लिए भूख और प्यास मंगल पहुंचने के लिए इनको आप लोग यहाँ पे रुक जाओ ठीक ना, जैसे आप उसको निकाल सकते हाँ भी आप भी थोड़ा यहीं पे रुक जाओ हाँ आप तीनों यहाँ पे रुक जाओ अरे इनको पहले चाय पानी मिलाओ रेडी करो।